आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। बीआर अरकान असेंबली के खिलाफ कोई नाशायस्ता अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया गया, रुकन असेंबली डी नागेंद्र की वजाहत। दो लाख मुलाजमतें फराहम करने का वादा करते हुए सिर्फ चंद हज़ार मुलाजमतें फराहम करने के खिलाफ बीआरएसवी का उस्मानिया यूनिवर्सिटी और दीगर कई अजला में धरना। मजलिस रुकन असेंबली मोहम्मद मुबीन का फलकनुमा डिवीजन का दौरा, ज़ेर इल्तवा और तरक्याती कामों का किया मुआयना। नशे की हालत में रॉन्ग साइड ड्राइविंग के बाद सड़क हादसा, 5 साल बच्चे की मौत। एलबी नगर में खातून के हाथों खातून का कत्ल, रकमी लेन देन के मामले पर पेश आया वाकया। नज़रदारी इन खबरों के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने अपने हल्के असम्बली खैरताबाद में शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने जुमे के रोज़ असम्बली में बीआरएस अरकान असम्बली के खिलाफ कोई नाशायस्ता अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि हैदराबादी जबान का इस्तेमाल किया। डी नागेंद्र ने मज़ीद बताया कि 9 रोज़ा असम्बली इजलास में 5 बिलों को मंजूरी देने के अलावा जॉब कैलेंडर जारी करने के साथ साथ कई एक अहम मसाइल पर मुख्तसर मुबाहस मुनक़िद हुए, जबकि बीआरएस के दौर में असम्बली का इजलास सिर्फ जाब्ते की कार्रवाई पर मुबनी होता था। వాళ్ళు మాట్లాడిన భాషకే నేను అలా మాట్లాడాల్సి వచ్చింది తప్ప వేరే ఏం లేదు। అందుకనే ఈ సభలో అన్ని అందరి ఏకో గౌరవం, ఎందుకంటే సభ అనేది శాసనసభ అనేది కస్టోడియన్ ఎవరు అంటే స్పీకర్ గారు, దాని కస్టోడియన్ స్పీకర్ గారి మరి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని నువ్వు ఎలా ఇస్తావని స్పీకర్ గారిని అడిగేటువంటి అధికారం ఎవరికి ఉండదు, ఏ సభ్యుడికైనా ఉండదు। మాట్లాడే అధికారం స్పీకర్ గారు ఇచ్చినప్పుడు స్పీకర్ గారికి అధికారం ఉంది కాబట్టి ఇచ్చారు, ఆ అధికారాన్ని ఐని నాకు అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని హైదరాబాద్ ప్రజల యొక్క వాణిని అందులో ఇన్పేయాలని ప్రయత్నం చేశాను, దానికి వారు అడ్డుపడ్డారు కాబట్టి ఆవేశంగా మాట్లాడడం జరిగింది। దానికి మరి ఒకసారి కూడా నేను చెప్తా ఉన్నాను, ఇలాంటి వివరాలు మీరు చేయకూడదు, అవకాశం వచ్చినప్పుడు మీ అవకాశాన్ని తీసుకొని ప్రజల ముందు ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి ఇది గ్రేటర్ హైదరాబాద్ యొక్క బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఉండే నిన్న బ్రాండ్కి సంబంధించిన సమస్యలు ఉండే అది మాట్లాడకుండా పోయారు కాబట్టి హైదరాబాద్ పట్ల కానీ దళితుల పట్ల కానీ లేకపోతే ధర్నీ పట్ల కానీ జాబ్ క్యాలెండర్ మీద కానీ జరిగినటువంటి ఎన్నో డిస్కషన్ల మీద ఎక్కడ కూడా భాగస్వామ్యం కాలేదు కాబట్టి వీళ్ళకి అభివృద్ధి మీద దృష్టి లేదు, కేవలం అధికారం పోయింది అనేటువంటి ఒక ఆవేదన తప్ప అధికారం ఉంటుంది పోతుంది, కానీ అభివృద్ధి అనేది నిరంతరం కొనసాగేటువంటి ప్రక్రియ, ఆ ప్రక్రియని మీరు ఆపేటువంటి కుట్ర చేశారు కాబట్టి మేము అలా మాట్లాడాలి। कांग्रेस रुकन खानसास काउंसल बी वेंकट ने मीडिया से बात करते हुए ऐवान में जॉब कैलेंडर जारी करने पर रियासत के तलबा और नौजवानों की तरफ से वज़ीरे आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीरे आला भट्टी विक्रमार्का के अलावा काबिनी वज़रा से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि रियासत के तलबा और किसानों को ये बात अच्छी तरह मालूम हो गई है कि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है, जिसका सबूत किसानों के 2 लाख रुपये तक के खर्जात की माफ़ी और सरकारी महकमेजात में मुलाजमतें फराहम करने के सिलसिले में जॉब कैलेंडर जारी करना है। अंदर कांग्रेस पार्टी अधिकार बाध्यता वारी भुजस्कंद राष्ट्र व्याप्त संबंधी कांग्रेस पार्टी पक्षा प्रचार कांग्रेस पार्टी अधिकार वर्वा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गारु कांग्रेस पार्टी मेनिफेस्टो विधा चाहना स्पष्ट निरुद्योग संबंधी जॉब कैलेंडर प्रकटिस्तामु असेंबली साक्षिग दी क्लारिटी इस्तामनि गौरव मुख्यमंत्री गारु ఈరోజు అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఏదైతే జాబ్ క్యాలెండర్ ని ప్రకటిస్తూ ఈ యూపీఎస్సీ తరహాలో ఏ తేదీన ఏ రకంగా ఎగ్జామ్స్ ని నిర్వహిస్తామన్న ఒక భరోసాని కల్పించడానికి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రీకారం చుట్టింది, దానికి నిరుద్యోగుల పక్షాన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న యువకుల పక్షాన
ఏదైతే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి అదే విధంగా కేబినెట్ మంత్రులకి ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారికి అందరి పక్షాన వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ తప్పనిసరిగా ఏదైతే సంబంధించి గ్రూప్ టూ పరీక్ష వాయిదా విషయంలో కూడా గత ప్రభుత్వం లెక్క పంతాలకి పోకుండా యువకులు కోరుకున్నది కోరుకున్న విధంగా ఇది ప్రజా ప్రభుత్వము వారి యొక్క బాధల్ని వింటది వారి సమస్యల్ని పరిష్కరిస్తుందని చెప్పి ఒక భరోసాని కల్పించే విధంగా విద్యార్థులకి BRSV की जानिब से उस्मानिया यूनिवर्सिटी और रियासत के कई अजला में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 2,00,000 मुलाजमतें फरहम करने का वादा करते हुए सिर्फ चंद हज़ार मुलाजमतें फरहम करने के सिलसिले में जॉब कैलेंडर जारी करने के खिलाफ वज़ीरे आला रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नज़रिया आतिश किया गया और बोगस जॉब कैलेंडर के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिस ने ज़िले रंगारेड्डी के एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन दखल कर दिया। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने ज़िले करीमनगर के कई मंडल्स की आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल करने के अलावा कई एक तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अजाम मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने अब तक 17,75,000 किसानों के अकाउंट में 1,00,000 रुपये जमा किए हैं और 1,50,000 के कर्जेजात माफ़ करने के इकदाम किए। उन्होंने बताया कि मुस्तकबिल में कांग्रेस हुकूमत इंतखाबी मंशूर में किए गए तमाम वादों को भी पूरा करेगी। रियासती वज़रा श्रीधर बाबू और पी श्रीनिवास रेड्डी ने ज़िले भोपालपल्ली में सरकारी दवाखाने का संग बुनियाद रखने के बाद करोड़ों रुपयों के तरक्याती काम प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। बाद हज़ार रियासती वज़रा ने आवाम को तयखुन दिया कि वज़ीरे आला रेवंत रेड्डी ने ज़िले भोपालपल्ली की तरक्की के लिए इंतखाबात के मौके पर जो वादे किए थे इसे पूरा करने के इकदाम करेगी। PDS राइस की गैर क़ानूनी नकल व हमल करने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 अफराद को हिरासत में लिया गया और 102 कुंटल चावल और 31 कुंटल गेहूं जब्त किया गया। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और भवानी नगर पुलिस के अहलकारों ने भवानी नगर पुलिस स्टेशन हदूद में PDS के चावल की जख़ीरांदोज़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 मुकामात से 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया जो ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए PDS राइस गेहूं को गैर क़ानूनी तौर पर दूसरी रियासत महाराष्ट्र ले जा रहे थे। उनके कब्ज़े से 102 कुंटल PDS राइस और 31 कुंटल गेहूं को जब्त किया गया।
مجلسی قائدین کی جانب سے متعلقہ حلقے جات میں پیدل دورہ کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی محمد مبین نے نائس ہوٹل سے لے کر گنٹال شاہ بابا درگاہ تک، روشن کالونی اور مدینہ کالونی فلک نما ڈویژن تک تمام ضلع التوا ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ بہادر پورے کے رکن اسمبلی محمد مبین کے ساتھ فلک نما کے نمائندہ کارپوریٹر موتی لال نائک، جی ایچ ایم سی زونل کمشنر ٹی وینکنا، فلک نما سرکل 10 ڈپٹی کمشنر پارک سیکشن ریڈی، انجینئرنگ پارک ڈپٹی شنکر، اے ای پرشانت، ڈی جی ایم حکیم اور مینجر سرینواس بھی موجود تھے۔ بہادر پورہ اسمبلی حلقے کے تحت فلک نما ڈویژن سے روشن کالونی اور مدینہ کالونی کے ذریعے گنٹال شاہ بابا درگاہ تک تمام ضلع التوا ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا گیا اور عہدیداروں کو ضروری ہدایت بھی دی گئی۔ سری سیلم ذخیرہ آب میں ایک شخص غرقاب ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ مندر کے درشن کے لیے گیا ہوا تھا اور نہانے کے دوران غرقاب ہو گیا۔ متوفی کی شناخت چٹیال کے ساکن یادیا کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ متوفی مقامی مندر آیا تھا اور اس دوران غرقاب ہو گیا۔ غرقاب ہوئے شخص کی تلاش کا کام جاری ہے۔ تلنگانہ فوڈ سیفٹی کمشنریٹ کی ٹیم کی طرف سے ناقص اور غیر معیاری غذائی اشیاء اور اسٹوریج کو لے کر کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ کمشنر فوڈ سیفٹی کی طرف سے جاری کیے گئے پریس نوٹ کے مطابق 2 اگست کو باورچی ریسٹورنٹ شمشاباد کا معائنہ کیا گیا، جہاں پر غیر معیاری اشیاء پائی گئیں۔ غذائی اشیاء پر کوئی بھی لیبل نظر نہیں آیا، چوہوں کی موجودگی کا بھی پتہ چلا ہے۔ پیسٹ کنٹرول کا بھی کوئی سرٹیفکیٹ نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ چولہے کی جگہ بھی ناقص نظر آئی، اور جہاں غذائی اشیاء کے سامان کو اسٹوریج کیا جاتا ہے وہاں بھی گندگی دیکھی گئی۔ اس سلسلے میں ہوٹل انتظامیہ کو نوٹس جاری کی گئی ہے۔ شمشاباد میں واقع ہوٹل گرینڈ پر بھی فوڈ سیفٹی کمشنر کی ٹیم نے معائنہ کیا۔ یہاں پر بھی ریڈ چلی سوس، کوکونٹ ملک، روز واٹر، فش مسالہ اور دوسری اشیاء جن کے استعمال کی مدت ختم ہو گئی تھی انہیں ضبط کیا گیا۔ چائے کی پتی، باربیکیو سوس اور دوسرے اشیاء پر لیبلز نہیں پائے گئے۔ میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ بھی ریسٹورنٹ میں نہیں تھا۔ ریسٹورنٹ انتظامیہ کو نوٹس دی گئی ہے۔
تلنگانہ کے ورنگل میں ایک وی آر اے نے واٹر ٹینک پر چڑھ کر ہلچل مچا دی۔ پپولا کمار، جو وی آر اے بتایا گیا ہے، اس کا مطالبہ تھا کہ اسے بھی دلت بندھو اسکیم سے امداد فراہم کی جائے۔ ضلع پریشد ہائی اسکول کے احاطے میں واقع واٹر ٹینک پر سوار ہو کر اس نے دھمکی دی کہ اگر اسے دلت بندھو کا موقع فراہم نہیں کیا گیا تو وہ خودکشی کر لے گا۔ بعد میں اسے نیچے اتارا گیا۔ ریاست تلنگانہ میں بعض آئی اے ایس عہدیداروں کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ 1999 بیچ کے آئی اے ایس عہدیدار سید علی مرتضی رضوی کو تاحکم ثانی کمشنر کمرشل ٹیکسز مقرر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ٹی کے سری دیوی 1992 بیچ کی عہدیدار کو کمشنر شیڈیول کاسٹ ڈیولپمنٹ مقرر کیا گیا ہے۔ 2015 بیچ کے آئی اے ایس عہدیدار ایس ہریش کو جوائنٹ سیکرٹری گورنمنٹ ریوینیو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ مقرر کیا گیا ہے۔ 2016 بیچ کے آئی اے ایس عہدیدار ادے کمار کو ڈائریکٹر مارکیٹنگ مقرر کیا گیا ہے۔ 2018 بیچ کی چکا پرینکا کو ڈپٹی سیکرٹری بلدی نظم و نسق مقرر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر چندرشیکھر ریڈی کو مینیجنگ ڈائریکٹر ایچ اے سی اے مقرر کیا گیا ہے۔ سری نواس ریڈی، جوائنٹ کمشنر کمرشل ٹیکسز ورنگل کو ڈائریکٹر مارک فیڈ مقرر کیا گیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کے دوران حادثوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایک تازہ واقعے میں حیدرآباد کے گلگنڈہ حدود میں واقع ابراہیم باغ میں پیش آیا، جہاں نشے کی حالت میں لاپرواہی سے رانگ سائڈ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک شخص نے مخالف سمت سے آنے والی بائک کو ٹکر دے دی۔ اس واقعے میں بائک پر سوار 5 سالہ بچے کی موت ہو گئی، جبکہ بائک چلانے والے مہلوک بچے کے باپ کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ مقامی عوام نے اس واقعے کو لے کر احتجاج کیا۔ تیز رفتار ڈرائیونگ سے یہ حادثہ ہوا، بتایا گیا ہے کہ اس میں شراب کی بوتلیں بھی پائی گئیں۔ ڈرائیور مبینہ طور پر نشے کی حالت میں بتایا گیا ہے اور اسے تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ مقامی افراد نے ذمہ دار شخص کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ایل بی نگر میں خاتون کے ہاتھوں خاتون کا قتل ہوا ہے۔ مقتولہ کی شناخت شیوا گنگا کالونی کی ساکن نرسما کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق گھر سے متصل سروجا نامی پڑوسی کو نرسما نے 20,000 روپے قرض دیا تھا۔ اسی بات کو لے کر دونوں میں تنازع چلا آ رہا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ دونوں خواتین میں بحث و تکرار ہو رہی تھی اور اس دوران سروجنی نے غصے میں ہتھوڑی سے نرسما کے سر پر حملہ کیا، جس سے نرسما کی مقامی واقعے پر ہی موت ہو گئی۔ پولیس نے سروجنی کو گرفتار کیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔
कामारेड्डी रेलवे स्टेशन पर एक लड़की को मुबैना तौर पर शराब पिलाकर अगवा की कोशिश का सनसनीखेज वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के नाचाराम से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की को रेलवे स्टेशन पर तन्हा देखकर एक नौजवान ने उसे शराब पिलाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की। मुश्तबा मंजर को देखकर स्टेशन पर मौजूद बाज़ मुसाफरीन ने जब नौजवान को रोक लिया तो वहां से फरार हो गया और लड़की को वहीं छोड़ दिया। लड़की को पुलिस के हवाले किया गया है, ताहम लड़की पुलिस को मौसर जवाब देने की हालत में नहीं है। इस सिलसिले में मज़ीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। बीआरएस अराकीन असेंबली के खिलाफ कोई नाशायस्ता अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया गया, रुकन असेंबली डी नागेंद्र की वजाहत। दो लाख मुलाजमतें फराहम करने का वादा करते हुए सिर्फ चंद हजार मुलाजमतें फराहम करने के खिलाफ बीआरएस वी का उस्मानिया यूनिवर्सिटी और दीगर कई अजला में धरना। मजलिस रुकन असेंबली मोहम्मद मुबीन का फलकनुमा डिवीजन का दौरा, ज़ेर-ए-इल्तवा और तरक्याती कामों का किया मुआयना। नशे की हालत में रॉन्ग साइड ड्राइविंग के बायस सड़क हादसा, 5 साल बच्चे की मौत। एलबी नगर में खातून के हाथों खातून का कत्ल, रकमी लेन देन के मामले पर पेश आया वाकया। इसी के साथ रूबरू न्यूज़ यहीं अख्ताम पसीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अलावामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबरू न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलामु अलैकुम।